वो सब गैस कैसे हो, दिस साइड सन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट तो कर दी, किसी को 15 दिन हो गए, किसी को 1 महीना हो गया, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना हो गया, बट एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू एक पैसे की अर्निंग ना करी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट तो कर दी, लर्निंग भी कंप्लीट कर ली, सारी ट्रेनिंग्स वगैरह ले ली, बट ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें काम क्या करना पड़ता है। और स्पॉन्सर को कॉल करके बोल रहे कि सर मैंने सारी क्लासेस ले ली, सारी स्टेप कंप्लीट कर लिए, अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। अरे यार, जब आपने अच्छे से क्लास ली होती ना, लर्निंग अच्छे से ली होती ना, तो आपको समझ में आ जाता है इसमें काम क्या करना पड़ेगा। आप सारी क्लासेस ले ली, उसके बावजूद भी स्पॉन्सर को जो बोल रहे हो कि सारी स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया, बताओ उसमें काम क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ उन वीडियोस को, उस ट्रेनिंग्स को सिर्फ ऐसे देखा है नॉर्मल वीडियो की तरह, आपने समझा नहीं। और जब तक आप उस वीडियोस को समझोगे नहीं ना, उसके मीन्स को नहीं समझोगे ना, एफिलिएट मार्केटिंग की पावर को नहीं समझोगे ना कि एफिलिएट मार्केटिंग का मीन्स क्या है, आप यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते। खैर कोई ना, इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि चलो आपने लर्निंग कंप्लीट कर ली, इसके बाद अपने को काम क्या करना पड़ता है, वर्कआउट क्या करना पड़ता है ताकि अपनी की अर्निंग हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हर एक चीज इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे ना एफिलिएट मार्केटिंग करके बैठ जाते हैं बट उनकी अर्निंग एक पैसों की नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आप सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे होते। लर्निंग आपने कंप्लीट कर ली, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, वर्कआउट नहीं करोगे, सही तरीके से वर्कआउट नहीं करोगे, तो क्या आपकी अर्निंग होगी? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। अब क्या वर्कआउट होता है, आपको इस वीडियो में एक ही चीज़ बताने वाला हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद, और जो मैं आपको बताऊँगा आप उसको फॉलो करोगे ना, मेरी गारंटी है, गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम में करवाता हूँ, आपकी अर्निंग डेफिनेटली होगी। आप भले आप किसी भी कंपनी से होंगे, एफिलिएट मार्केटिंग आप कर रहे हो और जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप डेली बेसिस पे फॉलो करोगे ना, तो 100% आपकी अर्निंग होगी। आपकी अर्निंग इसलिए नहीं हो रही, आपने लर्निंग अच्छे से ले ली, मान के चलते हैं आपको अच्छे से बात करने बाद मान के चलते हैं, लेकिन आप जो वर्कआउट होता है ना, जिनको डेली बेसिस पे फॉलो करना होता है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे और आप बैठ गए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो 2 पॉइंट आज मैं समझाऊंगा आपको। पहली बात तो ये कि एफिलिएट मार्केटिंग में लर्निंग कौन सी करनी होती है, कौन सी ज़रूरी है ताकि आपकी अर्निंग हो, और दूसरी बात ये कि लर्निंग कंप्लीट करने के बाद इसमें वर्कआउट क्या करना होता है। ठीक है, दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दोनों आपकी कंप्लीट होगी तब जाके तीसरा ऑप्शन आएगा अर्निंग का। भाई आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई और आपने वर्कआउट स्टार्टअप कर दिया तब जाके आपकी अर्निंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये समझते हैं कि इसमें आपको लर्निंग क्या करनी पड़ती है, कि एफिलिएट मार्केटिंग आपने स्टार्ट कर दी और एफिलिएट मार्केटिंग से आप पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आपको लर्निंग कौन सी करनी पड़ेगी, मतलब आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए तब जाके आप पैसा कमा पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, 10 पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग के लर्निंग के, जिसमें से आपको अच्छे से 10 के 10 पॉइंट कंप्लीट करना है। पहला पॉइंट इसके अंदर एफिलिएट मॉडल। ओके, एफिलिएट मॉडल का मतलब ये हुआ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग क्यों जरूरी है, समझ में आई बात, और एफिलिएट मार्केटिंग की नीड क्यों है, ये पॉइंट समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट यही है, इसको लिख लो आप भले ही। ठीक है, क्योंकि मैं जब लिख के बैठा हूँ इधर आप लोगों को बताने के लिए कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप लोगों को लिख लेना चाहिए, भूल जाओगे, सच बता रहा हूँ। और जब तक आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं होगी ना, आप अर्न नहीं कर पाओगे, सच कह रहा हूँ मैं। ठीक है, वर्कआउट भी बताऊंगा, पहले से देख लो कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें अभी तक नहीं आती ना, तो पहले क्लासेस लो, दोबारा जाके देखो, अपने स्पॉन्सर से बोलो कि सर मुझे क्लासेस प्रोवाइड करवाओ ताकि मैं अपने लर्निंग कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एफिलिएट मॉडल। लिखो एफिलिएट मॉडल। इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग क्यों जरूरी है और एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, ये तीनों चीज़ आपको आनी चाहिए, तभी जाके आप एफिलिएट मार्केटिंग लोगों को समझा पाओगे और अपने आप में कॉन्फिडेंस ले आ पाओगे कि हाँ एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जब आपको खुद कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद इधर उधर भटक रहे हो, तो क्या आप लोगों को समझा पाओगे, लोगों को कॉन्फिडेंट होकर बोल पाओगे कि ये कर ले, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपको खुद कोई विश्वास नहीं अपने आप पे कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। आप खुद ही सोच रहे हो कि जब मेरी अर्निंग नहीं हो रही तो लोगों की कहाँ से होगी, इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म बेकार है। प्लेटफॉर्म तो बेकार नहीं है, क्योंकि मेरी अर्निंग हो रही है, काफ़ी लोगों की यहाँ पे अर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, मतलब प्लेटफॉर्म तो बेस्ट है। और मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा नहीं कमा पा रहे, इसका मतलब है कि आपने अच्छे से या तो लर्निंग कंप्लीट नहीं करी, और लर्निंग कंप्लीट कर ली तो आपने अच्छे से काम नहीं किया वहाँ पे, जो आपको करना चाहिए, जो आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। बताया ना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच कह रहा हूँ। अपने टीम में सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि वो समझ सके कि इसमें हाँ इस तरीके से काम करना होता है और डेली बेसिस पे करना होता है। ऐसा नहीं कि तुमने आज के लिए, फिर कल नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे, फिर चौथे दिन कर लिया, पांचवें दिन नहीं कर रहे, ऐसे आपकी अर्निंग नहीं होती। देखो एफिलिएट मार्केटिंग ये खुद का बिजनेस है, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि अपन एग्जाम में इंटरेस्ट लेते हैं ना, जब अपना 10th का बोर्ड आता है, 12th का बोर्ड आता है, तो इंटरेस्ट लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, पहले पढ़ाई, वैसे ये आपका बिजनेस है दोस्तों।
इसको भी वैसे आपको करना पड़ेगा, हल्के में मतलब ये आपको लाखों रुपये दे सकता है। जो चीज़ आपको लाखों रुपये दे सकती है उसको आप हल्के में लेके चल रहे हो तो मूर्ख कौन है यहाँ पे, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हल्के में मतलब सिंपल से तो बात है, आपको सीखना ही तो है यार, बिना सीखे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सीखने के बाद तो आप हवाई जहाज भी उड़ालोगे। तो सीखना ही तो है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, क्यों जरूरी है। जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को क्लियर कर दोगे, आप अपनी फैमिली में क्लियर कर दोगे कि एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है एफिलिएट मॉडल, ओके। तो इसमें हो गया कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है और इसकी बेनिफिट्स क्या है, सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। नहीं आती, स्पॉन्सर से वीडियोज़ लो, उनसे देखो, सारी वीडियोज़ को समझ लो, दिमाग में कोबड़े में बैठ जाओ, किसी को भी समझा सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग, सुन लो और क्यों ज़रूरी है, ठीक है। देख लेना, आपको समझ नहीं आ रहा तो स्पॉन्सर से वीडियोज़ ले लेना। दूसरा पॉइंट है इसमें प्रोस्पेक्टिंग, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना अच्छे से आना चाहिए भाई। 3 से 4 वीडियो देख लो, 4 से 5 देख लो, अलग अलग तरीके आने चाहिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करने के, क्योंकि सामने वाला इंसान है ना अलग अलग माइंडसेट के आता है ना आपके पास में, तो आपको अलग अलग तरीके आने चाहिए प्रोस्पेक्टिंग करने के, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इन्विटेशन, इन्विटेशन करना आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके भी कम से कम 4 से 5 तरीके सीख लो, क्योंकि दिमाग में जो आए हुए बोल दोगे फिर आप सामने वाले के अकॉर्डिंग, सामने वाला क्या सुनना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप उनसे बात कर लोगे, इन्विटेशन कर लोगे। ये नहीं कि आपने जो रट लिया बस वही कर रहे हो, सामने वाला वो बात सुनना ही नहीं चाहता और आप उसको वो सुनाने की कोशिश कर रहे हो तो भाई वो आपकी बात नहीं मानेगा। देखो, आप मार्केटिंग करने जा रहे हो, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, आपको भूल जाओगे, एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इतना बेस्ट है कि मेरे को इससे बेटर प्लेटफॉर्म कोई लगता ही नहीं है, सच कह रहा हूँ। तो इसको फील करो कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत पैसा कमा सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको खरीदेगा तो उसमें एक एक्स अमाउंट आपको मिलेगा, इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहली इनकम स्किल की, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। इंडिया के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। क्यों एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए एक बढ़िया इनकम अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसके स्कोप को समझो। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस आइडिया है जिससे लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। यदि आप भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो चलते, तीसरा पॉइंट क्या था अपना, इन्विटेशन, आपको इन्विटेशन करना अच्छे से आना चाहिए। चौथा पॉइंट है फॉलोअप करना, लिख लो पॉइंटों को, भूलना मत यार, ठीक है। चौथा पॉइंट है फॉलोअप लेना, आपको फॉलोअप करना अच्छे से आना चाहिए कि फॉलोअप किस तरह से लिया जाता है। फॉलोअप करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे नहीं कि फॉलोअप के चक्कर में आप उनको बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, ये फॉलोअप नहीं होता। स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू भी फॉलोअप होता है ना, तो आपको समझना है कि राइट फॉलोअप क्या है ताकि लोग आपकी बातों को सुने। रिलेशन बिल्डिंग कैसे करते हैं, फॉलोअप के अंदर ही आ गया सब कुछ, तो आपको सारी चीज़ें समझना है। इसमें मैं बताऊंगा नहीं यार, क्योंकि इसमें आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए और इस तरह का वर्कआउट आप करोगे ना तब जाके आपकी अर्निंग होगी, समझ आया। तो आपके जो भी स्पॉन्सर है, आपके सीनियर से, उन लोगों से बोलो कि मुझे इन सब टॉपिक्स की वीडियो चाहिए साहब, ठीक है। फॉलोअप लेना आपको अच्छे से आना चाहिए। पाँचवा पॉइंट है अर्जेंसी, आपको अर्जेंसी डालना आना चाहिए। देखो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग का मतलब है कि आप सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। आज आप दूसरी कंपनी की सेलिंग करो, कल को आप अपनी खुद की कंपनी खोलोगे। मार्केटिंग का मतलब कि आप मार्केटिंग करने जा रहे हो वहाँ पे, तो आपको अर्जेंसी डालना आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वीडियोस आप अपने सीनियर से ले सकते हो कि सर मुझे अर्जेंसी डालना नहीं आता, कि लोग फटाक से स्टार्ट कर ले। मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे कि लोग फटाक से स्टार्ट कर ले। अगर आपके सीनियर्स आपको वीडियोस नहीं भेज रहे ना, तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया ना, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो हाउ टू अर्जेंसी, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू डू अर्जेंसी, तो वहाँ से बहुत सारी वीडियोज आ जाएगी कि अर्जेंसी कैसे किया जाता है, अर्जेंसी आप कैसे डालोगे, ठीक है। इसके बाद है छठा पॉइंट, क्लोजिंग, क्लोजिंग करना आपको आना चाहिए। मान लो आपने अर्जेंसी तो डाल दी, ऐसा कोई उनको चीज़ आपने बोल दिया कि उसको मजा आ गया कि हाँ सर यार करना तो है, तो अब क्लोजिंग कैसे करोगे। क्लोजिंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब क्लोजिंग होगी तभी तो जाके आपकी सेल होगी और तभी जाके आपको अर्निंग होगी, तो क्लोजिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद सातवां पॉइंट आता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आपकी प्रोफाइल अच्छे से होनी चाहिए, जिस प्रोफाइल पर आप काम कर रहे हो, अभी प्रोफाइल ट्रेंडिंग में चल रही है इंस्टाग्राम की, तो आपकी इंस्टाग्राम की जो दुकान है ना वो अच्छे से सेटअप होनी चाहिए, हाईलाइट्स वगैरह अच्छे से होने चाहिए, आपकी अर्निंग होनी चाहिए, आपकी टीम की अर्निंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स वगैरह होना चाहिए। सुन लो इस बात को मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसकी सब चीज़ें नहीं है ना कंप्लीट, आपकी अर्निंग नहीं होगी, और आपकी सब चीज़ें कंप्लीट है ना तो आप इतना पैसा यहाँ से कमाओगे कि सोच नहीं सकते, क्योंकि हम कमा रहे हैं, हमको पता है ना, तभी जाके हम आपको बोल पा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं आप भी करो, ठीक है। इन सब चीज़ों के लोग पैसे लेते हैं सिखाने के, कि इस तरीके से आप काम करो तब जाके आपकी अर्निंग होगी। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो निकालूंगा कि किस तरीके से आप इसी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मंथली लाखों रुपए कमा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस वीडियोस को हल्के में मत लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझ रहे हो ना। तो आपको अपनी प्रोफाइल को
ठीक कर लेना, अकाउंट सेटअप कर लेना, हाईलाइट्स वगैरह लगा लेना, बायो ठीक कर लेना, फोटो ठीक लगा लेना, रील्स वगैरह अपलोड कर देना अपनी खुद की, और इसके अलावा पोस्ट वगैरह डाल देना, सब कुछ प्रॉपर कर लेना। तब जाके कोई भी आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा ना, देखेगा ना, तो हाँ यार मैम बिल्कुल लीगल है यार। और दूसरी बात ये कि इनका खुद का अकाउंट है और इनकी खुद की अर्निंग इन्होंने दिखा रखी है। अगर आपकी अर्निंग नहीं भी है ना तो कोई बात नहीं, अपने टीम की अर्निंग दिखाओ, अपनी लाइफ स्टाइल वहाँ पर दिखाओ, लेकिन कुछ दिखाना पड़ेगा। जब तक आप दिखाओगे नहीं ना, कोई आपकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं है। वो लीड्स, जो लीड्स आपसे बात करिए, जिन लीड्स को आपने टाइम दिया, वो लीड्स कहीं और जाके स्टार्ट कर लेगी, ठीक है। तो आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से सेटअप कर लोगे, उसमें सब कुछ आ गया, आपके हाईलाइट्स वगैरह आ गए, प्रोफाइल आ गया, बायो आ गया, पोस्ट वगैरह आ गया, आप डालो यार, वर्कआउट करो। जब तक दुकान में प्रोडक्ट नहीं रहेगा और प्रोडक्ट सिस्टम से जमा हुआ नहीं रहेगा, सामने वालों को अच्छा ही नहीं लगेगा, तो कोई भी आपसे प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं है, ठीक है। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आ गया। इसके बाद अपन चलते हैं आठवां पॉइंट, लीड जनरेशन और ब्रॉडकास्टिंग और स्टेटस मार्केटिंग। आठवां पॉइंट क्या है? लीड जनरेशन। देखो आपने इतना सब कुछ सीख लिया, पहला पॉइंट था एफिलिएट मॉडल, आपने सीख लिया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्यों जरूरी है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, ये आपने सीख लिया। दूसरी बात ये प्रोस्पेक्टिंग करना आपको आ गया, इसके बाद इनविटेशन आ गया, इसके बाद फॉलोअप आ गया, इसके बाद आप लोग को अर्जेंसी डालना आ गया, इसके बाद आपको क्लोजिंग करना आ गया और आपने अपने प्रोफाइल को ठीक भी कर लिया। आप बात करते आठवें पॉइंट की लीड जनरेशन, आपको लीड जनरेट करना आना चाहिए। हालांकि लीड जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने खुद ने एक सीरीज बना रखी है, उस सीरीज को आप देखो, बट आपको आना चाहिए कि वहाँ वहाँ से अपन लीड जनरेट कर सकते हैं। जब आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे ना, वैसे एक सिंपल वे में आप एड सेटअप करके एड चला के भी लीड जनरेट कर सकते हो, किसी से प्रमोशन करवा के भी लीड जनरेट कर सकते हो। ये सिंपल वे हो गया कि पैसा दो, लीड्स अपने पास में आ जाएगी, फिर आप उनसे बात करके क्लोजिंग कर लोगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करने का, आपको लीड जनरेट करना आना चाहिए। इसकी मैंने सीरीज बना रखी है, जाके आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी कि लीड जनरेट कैसे करें, ठीक है। बहुत सारे तरीके आपको आना चाहिए। इसके बाद आपको ब्रॉडकास्टिंग करना आना चाहिए कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे करते हैं। देखो आपको मैं पॉइंट बताऊँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे करते हैं, अपने सीनियर से वीडियो लो या उनसे पूछो कि सर ब्रॉडकास्टिंग कैसे करते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट आपको ब्रॉडकास्टिंग करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेटस मार्केटिंग। स्टेटस मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग करने के लिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं ना कि मैं ये कर रहा हूँ, हमारी टीम में ये हो रही है, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। मान के चलो आपके पास लीड आ गए, आपने उनसे बात भी कर ली, सब कुछ आपने क्लियर कर लिया, बट अब उनको बार बार आप मैसेज करोगे, वो करोगे, तो वो आपसे स्टार्ट करने वाला नहीं, क्योंकि बंदा मेरे को फंसा देगा कहीं ना कहीं, डर लगेगा उसको ना। तो अब उसको क्लोज कैसे करोगे आप? उसको स्टेटस पे वो सारी चीज़ें दिखाओ जो आपने उसको कॉल पे बताई थी, आपने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो में बताई, वो सारी चीज़ें दिखाओ कि हम इतना कमा रहे हैं, हमारे टीम में लोग इतना कमा रहे हैं, यहाँ पे ये रिवार्ड्स मिल रहा है, यहाँ पे फ्री टूर मिल रहा है, यहाँ पे ये मीटिंग्स हो रही है, यहाँ पे ये सिस्टम हो रहा है, सब कुछ आप उनको अपने स्टेटस के थ्रू दिखाओ, ठीक है। फॉलोअप लेने का बहुत ही अच्छा ही तरीका है, ठीक है, स्टेटस मार्केटिंग। तो आपको तीनों चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, पहला तरीका है लीड जनरेशन, दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग और तीसरा स्टेटस मार्केटिंग। इसके बाद नाइन पॉइंट है, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब हो गया कि सामने वाला बोल रहा है कि सर ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, तो आप उसका जवाब दे दो फटाक से। दूसरा, सर क्या इसमें पैसे लगाने पड़ते हैं क्या, इसका अच्छे से आप जवाब दो। तीसरा, क्या सर इसमें सेलिंग करनी पड़ेगी, कोर्स से बेचने पड़ेंगे इसमें, तो इसका जवाब भी आपको अच्छे से आना चाहिए। सर क्या इसमें बंदे जोड़ने के काम है, इसका भी आपको आंसर अच्छे से आना चाहिए। रिप्लाई आप अच्छे से करोगे ना, तभी जाके वो आपके साथ स्टार्ट करेगा। अगर आपको रिप्लाई करना नहीं आता ना, तो आप पहले सीखो। मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 दिन लग जाए चाहे 15 दिन लग जाए, एक बार का भी सब कुछ सीखो, फिर करते करते सब सीख जाते हैं, लेकिन एक बार का बिल्कुल परफेक्ट होके मैदान में उतरने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि बस नॉर्मल आपने वीडियोस देख ली और आप सोच रहे हो कि सर मेरा पैसा आना स्टार्ट हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको पैसा आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, लर्निंग तो पूरी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सारी वीडियोस देखनी है। अगर आपके सीनियर्स आपको नहीं भेज रहे ना, तो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कोर्स सीखना चाहते हो वो अलग बात है, आप वो आपको आईडिया मिल जाएगा, जाके आप सीख सकते हो, बट आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग करके आपको पैसा कमाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग से आप बहुत पैसा बना सकते हो, कमाना तो दूर की बात है, बना सकते हो, जितना चाहो उतना बना सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीडियोज़ देखनी है, आपको सारे ऑब्जेक्शन हैंडल्स आने चाहिए, ठीक है। लास्ट और इंपॉर्टेंट है कैनवा। कैनवा का यूज़ आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, किस लिए, ताकि आप अपने खुद की हाईलाइट्स बना सको, अपने खुद के पोस्टर बना सको, अपने खुद के रील्स एडिट कर सको, ठीक है। स्टेटस बनाने के लिए आप जैसे अर्निंग के अपन वीडियोस बनाते हैं ना, कि आज की मेरी अर्निंग है, ऊपर टैक्स है, नीचे टैक्स है, तो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें, ये आपको कैनवा में आपको सब कुछ मिल जाएगी, तो कैनवा आपको सपोर्ट करेगा। तो कैनवा का थोड़ा बहुत आपको यूज़ आना चाहिए, कैनवा के एक दो वीडियोस देख लेना कि कैनवा का यूज़ कैसे करते हैं, कैनवा से पोस्टर कैसे बनता है, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है। तो 10 पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग में लर्निंग के,
ठीक है, इसके बाद चलते हैं वर्किंग पे, है ना। तो इस सारे के सारे पॉइंट आपको आना चाहिए, मैं एक बार फिर से तुमको याद दिला देता हूँ। 10 पॉइंट है। पहला पॉइंट है एफिलिएट मॉडल आपको अच्छे से आना चाहिए। एफिलिएट मॉडल का मतलब हुआ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है और इसके बेनिफिट्स क्या है, ये आपको आना चाहिए। और इन सब की वीडियोज़ मैंने बना रखी है डियर। जब आप वीडियोज़ को देखना नहीं, जब समझोगे ना, दिमाग में डालोगे एक एक बात को, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में एफिलिएट मार्केटिंग इतनी पावरफुल है। और जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी ना, सच में एफिलिएट मार्केटिंग इतनी पावरफुल है, तो आप किसी भी बंदे को समझा दोगे, अच्छे से समझा दोगे। और जब उसको समझ में आ जाएगी, आप उसको अच्छे से समझा दोगे, तो वो आपके साथ डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। जब आप उसको अच्छे से क्लियर ही नहीं करोगे तो कैसे स्टार्ट करेगा। तो क्लियर तब करोगे ना डियर, जब आपको खुद को आएगा। तो आप खुद समझो पहले सारी चीज़ें ना। पहला पॉइंट है एफिलिएट मॉडल समझो, दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग, तीसरा है इन्विटेशन आपको अच्छे से करना आना चाहिए, फॉलोअप लेना आना चाहिए, अर्जेंसी डालनी आनी चाहिए, क्लोजिंग करना आना चाहिए। इसके बाद प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आप अपने प्रोफाइल को अच्छे से सेटअप करके रखो, अकाउंट को अच्छे से सेटअप करके रखो। इसके बाद आठवां पॉइंट है लीड जनरेशन, ब्रॉडकास्टिंग, स्टेटस मार्केटिंग, ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है ये एफिलिएट मार्केटिंग में क्लोजिंग करने के लिए। लीड जनरेट हो गए आपके पास में, ब्रॉडकास्टिंग अच्छे से करना आपको आना चाहिए कि कब उनको कौन सी वीडियोस डालनी है, कब उनको कब क्या मैसेज करना है ब्रॉडकास्ट के अंदर, ताकि सबके साथ एक साथ मैसेज चले जाए। ठीक है, तो कौन सी वीडियो कब डालना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप डेली बेसिस पे तीन तीन वीडियोस उनको डाल रहे हो तो आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे वो। तो आपको ब्रॉडकास्टिंग अच्छे से आनी चाहिए कि कब कौन सी चीज़ डालें, ठीक है, ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए आपसे, है ना। ब्रॉडकास्टिंग आनी चाहिए, इसके बाद आपको स्टेटस मार्केटिंग करना आना चाहिए। ठीक है, तो सब चीज़ें आपकी क्लासेस मिल जाएगी, आपके सीनियर्स आपको बता देंगे। इसके बाद 9 पॉइंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीडियोज़, ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाओ, उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई अच्छे से दे पाओ। रिप्लाई तो आप कर दोगे, बट अच्छे से अगर आप दोगे ना, तो सामने वाले को मज़ा भी आएगा सुनने में और आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, उसको सामने वालों को ये फील तो होना चाहिए कि जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिस लड़की के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो मुझे आगे तक लेके जाएगी, मुझे आगे तक सपोर्ट करेगी। और आप ही उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो वो कैसे आपके साथ स्टार्ट करेगा कि इसको खुद को ही नहीं आता, ये मेरे को क्या समझाएगी, ये मेरे को क्या सिखाएगी, ये क्या मुझे पैसे कमाना सिखाएगी। वो आपको देखेगा भाई, बिजनेस को बाद में देखेगा कि कौन सी एफिलिएट मार्केटिंग, कौन सी कंपनी, लीड्स गुरु, ज्ञान कमाओ, बिज गुरु को ले, IDPA, वो बाद में देखेगा, पहले वो आपको देखेगा कि आप कितना टैलेंटेड हो, आप कितना कमा रहे हो। जब आप उसे अच्छे से बात ही नहीं करोगे तो कैसे स्टार्ट करेगा, कैसे आप पे ट्रस्ट करेगा। वो एक ही बात बोलेगा, भाई तू कमा ले पहले, ठीक है, पहले बात करना सीख जा, ठीक है, खुद मेरे डाउट क्लियर नहीं कर पा रही तो क्या ही समझा पाएगी मेरे को ना। तो उसको ट्रस्ट होना चाहिए आप पे। तो ये अपने हाथ में ही तो है भाई, डेयरी आपके हाथ में ही तो है ना, आप सीख सकते हो ना, उसमें क्या दिक्कत है, सीखने में क्या जा रहा है। फिर बात करते करते आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे एक दिन, लेकिन काम करना पड़ेगा यार, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी यार, है ना। वीडियोज़ को ऐसे नॉर्मली नहीं देखना, वीडियोज़ को देखना इसका मतलब क्या था, सर ने क्या समझाया इसका मतलब, समझ आया। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियोस अच्छे से देखनी है। इसके बाद एक कैनवा का थोड़ा बहुत आपको यूज़ आना चाहिए, ताकि आप अपने खुद की अर्निंग की वीडियोस एडिट कर पाओ, ठीक है, हाईलाइट्स एडिट कर पाओ, प्रोफाइल बना पाओ, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी लर्निंग कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं कि इसमें काम क्या करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे ना, तो ज्ञान लेके कितना ही बैठ जाओ, आपको पैसा नहीं आना, आपको क्रम तो करना पड़ेगा। तो क्या क्रम अपन को डेली बेसिस पे करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लीड्स जनरेट करना है, मतलब 30 नंबर्स आपको डेली बेसिस पे जनरेट करना है। अब कहीं से भी आप जनरेट करो, आपने सीख रखा है ना, मैंने आपको लर्निंग में बताया था 8वां पॉइंट कि लीड जनरेशन आपको आना चाहिए। तो आपको लीड जनरेट करना आ सकता है, आप लीड आप एड लगा के जनरेट करो, या प्रमोशन के थ्रू जनरेट करो, या आप DM मार्केटिंग करो, आप कहीं से भी लेके आओ, होल्ड कोल्ड मार्केटिंग, जहाँ से भी आप ला सकते हो ना, वार्म मार्केटिंग, जहाँ से भी आप ला सकते हो, वहाँ से आप लीड जनरेट करके लाओ। कम से कम 30 नंबर डेली बेसिस पे आपके पास में होने चाहिए व्हाट्सअप पे। ठीक है, अब 30 नंबर आपके पास में, हाँ एक चीज़ और मैं आपके यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आपके दिमाग में ये कीड़ा रहता है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं सब चीज़ें। कौन सी चीज़ें, क्वालिटी लीड्स कुछ होती है, क्वालिटी लीड्स, ऐसा कुछ नहीं होता डियर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्वालिटी आपके अंदर होती है। अगर आपके साथ लीड्स स्टार्ट नहीं कर पा रही ना, तो इसमें कमी आपकी है, उस लीड्स की नहीं है। क्योंकि आप मुझे इतना बताओ कि इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, हर एक बंदा पैसा कमाना चाहता है ना, तो इसमें क्वालिटी लीड्स कौन सी हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही। सब लोग इंटरेस्टेड है पैसा कमाने में, भाड़ में गया आपका बिजनेस, पैसा कमाने में हर एक बंदा इंटरेस्टेड है। और आपको पता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं, सबसे अच्छा है, तो आप उनको बताओ ना। अगर आप उनको समझा नहीं पा रहे, अगर आपके साथ स्टार्ट नहीं करा, तो क्वालिटी आपको अपने आप में लानी है कि मैं अब क्या चेंज करूँ, मेरे साथ क्या बोलना स्टार्ट करूँ, ताकि लोग स्टार्ट करें मेरे साथ, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है 1% भी, सब कुछ सच बोलो, लेकिन बोलने का तरीका सीखो, समझ आया। तो कोई क्वालिटी लीड्स नहीं होती, क्वालिटी लीड्स के चक्कर में किसी को पैसा मत पे कर देना यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि क्वालिटी आप में लेके आओ। हर एक बंदा पैसा कमाना चाहता है, आप उसको समझा नहीं पा रहे तो आपकी कमी है इसके अंदर। आप अपने आप में क्वालिटी लेके आओ, ठीक है। तो 30 नंबर आपको डेली बेसिस पे लेके आना है, कहीं से भी आप लेके आओ, ठीक है। जब 30 नंबर आपके पास में आ जाएंगे तो आप उनके नंबर सेव कर लो, ठीक है, और उनसे भी नंबर सेव करवा लो। नंबर सेव करवाने के लिए आप उनको या तो वॉइस नोट भेज दो, लिख लो डियर, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लिख के बैठा हूँ तो आप भी तो लिख सकते हो ना यार। सबसे पहले 30 लीड्स आपको डेली बेसिस पे जनरेट करनी है, ठीक है, और उनको खुद तो नंबर आप सेव करोगे, उनके डेट वाइज सेव कर देना। जैसे कि आज जितनी भी डेट है, 5 तारीख 6 तारीख है ना, तो आप उस डेट लगा लो कि 6 अगस्त 7 अगस्त, और नाम ऐड कर लो उसको, नाम प्लस डेट प्लस महीना, ओके। इस तरीके से आप नाम उनका ऐड कर सकते हो। तो 30 लीड्स आपको जनरेट करनी है, और सबसे पहले आप उनके नंबर ऐड कर लो और उस साइड में नंबर ऐड करवा लो। तो नंबर उस साइड ऐड करवाने के लिए आप या तो वॉइस नोट उनको भेज दो, वॉइस नोट बना के रखो पहले से कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, जो भी है कि आपको वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग मैंने मैसेज किया था, तो आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, बेटर लगे, आपको सीखना पड़ेगा लर्निंग में जाके किस तरीके से वॉइस नोट भेजा जाता है ना। तो वॉइस नोट भेज दो, या उनको एक छोटा सा टेक्स्ट भेज दो, इस तरीके का टेक्स्ट भेज दो, फिर वो नाम बता देगा अपना, सिटी बता देगा, और आपका नाम सेव करके डन कर देगा, ठीक है। तो उनके साइड में नंबर सेव करवाना जरूरी है, ताकि आप स्टेटस मार्केटिंग कर सको उनके साथ, वो आपके स्टेटस देख सके। मैं बोल रहा हूँ बस वो करते हो चलो, अर्निंग कैसे नहीं होगी मुझे बताना फिर आप, ठीक है। क्या आप ये सब चीज़ें कर रहे थे? अब आप बोलोगे सर मैं तो कर रहा था, नहीं कर रहे थे, अभी बताऊँगा, ठीक है। पहला काम है 30 लीड्स जनरेट करने का, दूसरा काम है खुद नंबर सेव करो, उस साइड नंबर सेव करवा लो। इसके लिए या तो आप टेक्स्ट भेज दो या वॉइस नोट भेज दो उनको, ठीक है। जब उधर से डन हो जाएगा कि हाँ मेरा नंबर सेव हो चुका है, ठीक है, उधर से उन्होंने बोले कि सर मैंने आपका नंबर सेव कर दिया, स्क्रीनशॉट उन्होंने भेज दिया या डन का मैसेज आपको उन्होंने कर दिया आपको, इसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो उनको शेयर करनी है, साथ में एक अर्जेंसी वॉइस नोट भेजना है उनको, कोई भी अर्जेंसी वॉइस नोट। इसमें मैं ये बताऊंगा नहीं कि कैसे अर्जेंसी आपको दी जाती है, क्लासेस अलग अलग होती है, ठीक है। तो सेंड प्रेजेंटेशन वीडियो, तो मतलब आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करनी है उनको, और साथ में एक वॉइस नोट भेजना है अर्जेंसी के लिए। अर्जेंसी वॉइस नोट भेजने के बाद जब वो वीडियोस को देख लेंगे, आपको मैसेज कर देंगे कि सर हाँ मैंने वीडियोस को देख लिया, उसके बाद एक कॉल आप उनको करोगे फॉलोअप लेने के लिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो अगर वो कंफर्टेबल है तो उसी वक्त बात कर लो, नहीं है तो आप उनको टाइम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि मैं आपको 5 बजे कॉल करूंगा, आप मेरा कॉल रिसीव कर लेना, या फिर आप उनको बोल सकते हो कि आप मुझे 5 बजे कॉल कर लेना, ठीक है, जो भी आपको टाइम सही लगे, जब जिस टाइम आपका माइंड बिल्कुल सही रहे अच्छे से बात करने के लिए, ताकि उनके चेहरे से क्लियर कर पाओ, क्योंकि ये फॉलोअप है लास्ट फॉलोअप है, बार बार कॉल नहीं करना आपको उनको, ठीक है। एक ही बार आपको कॉल करना है, वो अभी जो है प्रेजेंटेशन वीडियो उन्होंने देख ली है, अब एक बार का तो आपसे वो बात करेगा ही करेगा, ठीक है, उनके डाउट्स क्लियर करेगा ही करेगा, और आपको भी एक बार को तो उनको अच्छे से समझाना है। क्या समझाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, उस वीडियो के बारे में आपको दोबारा बताना है उनको। आप अलग से बताओगे ना तो उनके दिमाग में घुसेगी नहीं, सर वो क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा। आप उसी वीडियो के बारे में अच्छे से समझाओगे ना तो उनको एक एक चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि उन्होंने वो वीडियो देखी है कि कौन कौन से कोर्स होते हैं, उस वीडियो में क्या क्या बताया गया, ट्यूर हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको यहाँ पे ट्यूर मिलेगा, रिवार्ड्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में उन्होंने देखी है। तो अगर आप वही चीज़ें अच्छे से बताओगे ना थोड़ा डीप में, तो उनको एक एक बातें क्लियर होगी। तो आप खुद भी प्रेजेंटेशन वीडियो देख के रेडी रहना, अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो फॉलोअप लोग ना, इसमें आपको उनको सारे क्लियर करना है, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में क्लियर करना है, जितने भी पैकेज है पैकेजेस के बारे में क्लियर करना है, कौन सा पैकेज में क्या बेनिफिट है, किस पैकेज से स्टार्ट करना चाहिए, किस पैकेज के क्या बेनिफिट है, हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए उस कॉल पे। जब आप फॉलोअप लोग ना वन कॉलिंग पे प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद, तभी आप उनको सब कुछ समझा दोगे। इसके बाद अर्निंग के बारे में बताओगे, किस तरीके से आप यहाँ से अर्निंग करोगे, इसमें काम क्या करना पड़ता है, कितना टाइम देना होता है, हर एक चीज़ आप फॉलोअप में बताओगे। एक फॉलोअप के अंदर मतलब उस कॉल में आपने कोई भी कसर नहीं छोड़नी, अपना 100% देना है। एक ही कॉल की बात बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना किसी के। वीडियो देख ली, उसके बाद आप एक फॉलोअप लोगे, फॉलोअप में आप सब कुछ बताओगे, सारे डाउट क्लियर करोगे उनका, पहली बात तो जितने भी उनके डाउट्स है वो क्लियर करोगे। आप खुद से बताओगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, वो बोले ना बोले बट आप खुद से बताओगे अपने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कि एफिलिएट मार्केटिंग की पावर क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या नीड है, क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि आपने सीखा है, ठीक है। ये सब चीज़ें बता दोगे तो फैन हो जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग का। इसके बाद में आप जो आपका कंपनी है उसके पैकेजेस के बारे में बताओगे कि किस पैकेज के क्या बेनिफिट है, किस पैकेज से स्टार्ट करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आप बताओगे। इसके बाद अर्निंग के बारे में बताओगे कि इसमें क्या काम करना पड़ता है, अर्निंग कितने तरीके से अपन कर सकते हैं, यह आप बताओगे। इसके बाद वर्कआउट इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें काम क्या करना पड़ता है, यह आप बताओगे। इसके बाद इसमें कितना टाइम देना पड़ता है, यह आप उनको कॉलिंग पे बताओगे। समझ में आई बात, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉलोअप कैसे लिया जाता है, उनके डाउट क्लियर करो। ये जितने भी पॉइंट है ना, ये सब चीज़ आपको बतानी उस कॉल के ऊपर, वो पूछे ना पूछे लेकिन आप उनको बातों बातों में बताओगे। अच्छा, आपके दिमाग में चलाओगे इसमें टाइम कितना देना होता है,
इसमें सिर्फ टाइम इतना देना होता है। अच्छा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें काम क्या करना पड़ता है ना, ठीक है ये भी आप बताओ। अच्छा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या नाम सुना कि इसमें अर्निंग किस तरीके से होती है, काम क्या करना पड़ता है ना, कौन से पैकेज से स्टार्ट करूँ, फिर सारे आप खुद से उनको समझा दोगे, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे अभी, आप खुद से बता दो, क्योंकि आपका काम है उनके सारे डाउट्स क्लियर करना, ठीक है, जो आपकी कंपनी के अंदर है जितने भी चीज़ें आप सब कुछ उनको बताओगे, ठीक है। इसके बाद आपने फॉलोअप ले लिया, फॉलोअप लेने के बाद अब आप क्या करोगे, आपके पास अगर आपने अर्निंग कर रखी होगी तो आपकी टीम में रिव्यू होंगे कुछ जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाया होगा, ठीक है, तो उनके रिव्यू आप भेज सकते हो उनको कि देखो यहाँ पे इतने लोगों ने पैसा कमा लिया। रिव्यू भेजना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, होता है ना, बहुत सारे वीडियोज अपने सीनियर से आप ले सकते हो कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करके इतना पैसा कमाया, तो आप उनको रिव्यू भेज सकते हो, देखो कि हर एक इंसान ऐसे पैसा कमा रहा है, हाउस वाइफ है वो भी पैसा कमा रही है, और स्टूडेंट वो भी पैसा कमा रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं, मैं खुद यहाँ से पैसा कमा रहा हूँ, जाके आप मेरे हाईलाइट्स देख सकते हो, या उनको एक दो रिव्यू वीडियो भेज देना व्हाट्सअप पे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्टिंग में उनको ऐड कर देना है, ब्रॉडकास्ट में डाल 30 लीड्स की बात तो चल रही है अभी, तो समझ में आया ना कि 30 लीड्स आपको जनरेट करना है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करना है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है ताकि उनको अलग से मैसेज करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप गुड मॉर्निंग भेज रहे हो तो एक साथ सभी के पास में मैसेज चले जाएंगे, समझ आया, तो ब्रॉडकास्ट में उनको ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर एक लास्ट कॉल करना है सेम डे, ठीक है, जैसे कि आपने फॉलोअप ले लिया, ठीक है, तो फॉलोअप लेने के बाद फिर लास्ट में कुछ भी बोल के आप एंड करते हो तो फिर बोल देना लास्ट में ये चीज़ की, ठीक है, अपन शाम को बात करते हैं फिर, ओके, आप मुझे देख के सोच के बताना, और भी कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन शाम को बात करते हैं, ऐसा आप उनको बोल दोगे, तो लास्ट कॉल करोगे बस उसी दिन, ऐसे नहीं कि दो तीन दिन बात कर रहे हो, जैसे कि आज मॉर्निंग में उन्होंने वीडियोस देखी 11-12 बजे के पास आसपास आपकी बात हो गई, फॉलोअप आपने ले लिया, तो फॉलोअप लेने के बाद ऐसे कोई बात बोलना लास्ट के अंदर, ताकि ठीक है आप देखो समझो लास्ट तक अरेंज करो, कुछ भी जो भी आपकी बात हुई होगी या उसने एक्सक्यूज़ मारा होगा कि सर ठीक है मैं पैसे अरेंज करके स्टार्ट करता हूँ, ठीक है सर मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ ना, तो उसको टाइम देना सोचने के लिए, और लास्ट के इतना बोल देना कि ठीक है अपन शाम को बात करते हैं फिर, ओके, और भी कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेंगे अपन, ठीक है, तो शाम को कॉल करेगा या आप उनको कॉल करोगे, लास्ट कॉल बस, इसके बाद आपको कॉल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आप उनको कॉल करोगे सेम डे डाउट क्लियर करने के लिए और अपनी फ्रेंडशिप बनाने के लिए, ठीक है। वो कॉल में आप ये नहीं बोलोगे कि स्टार्ट कर लो, स्टार्ट नहीं, अब ये फ्रेंडशिप वाला कॉल है ताकि आपके साथ वो बना रहे, जुड़ा रहे, आप उसको उस कॉल में भी बोलोगे ना कि अच्छा आप स्टार्ट करने वाले थे ना, क्या हुआ, कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे, कब आईडी बनाओगे, तो भाई उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, वो समझेगा कि यार क्या सिस्टम है, इतना पीछे क्यों पड़ रहा है। आपको ये गलती नहीं करना, आपको लास्ट कॉल करना है उसी दिन, तो आप अपनी फ्रेंडशिप के लिए कॉल करोगे कि और डाउट क्लियर करने के लिए, डाउट क्लियर करते करते आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, मतलब अच्छे से बॉन्डिंग बन जाएगी तुम्हारी, है ना, वो आप पे ट्रस्ट करने लगेगा कि हाँ ये इंसान अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, मेरे को गाइड करे, मेरा सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और उन्हीं बातों बात में आपको उनके सारे डाउट क्लियर करने हैं जो उनके दिमाग में चल रहे होंगे बातों में। अच्छा ओके, आपको तो सब कुछ तो समझ ही आ गया होगा ना, फिर भी आगे दिमाग कोई क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा यार, है ना, पूछ लो अगर आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पूछ लो आप कहाँ से हो कैसे हो, नॉर्मली आप बॉन्डिंग बना लोगे उससे, ठीक है, बॉन्डिंग बना के आप कॉल काट दो बस। उस कॉल में आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है, उसकी कमी ढूंढना है कि उसका मतलब वो स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा, ऐसा कौन सा दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या इसमें बंदे जुड़ने का काम है, मतलब उसका कौन सा डाउट क्लियर नहीं हुआ, ये पकड़ने की कोशिश करना और उसको उसी कॉल में क्लियर कर देना, ठीक है, बस क्लियर करके फ़ोन काट देना बस। इसके बाद आपको डेली बेसिस पे ब्रॉडकास्टिंग आपको करना आई क्या, ब्रॉडकास्टिंग कैसे करोगे आप, ठीक है, मैसेज कैसे डालोगे डेली बेसिस पे, ये आपको काम करना है। अब सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, आपको सबको समझ में आ गया ना कि 30 लीड्स आपको जनरेट करनी है, इसके बाद नंबर सेव करवाना है, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजनी है, प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ अर्जेंसी वॉइस नोट भेजना है, इसके बाद आपको फॉलोअप लेना है, फॉलोअप में आपको सब कुछ क्लियर करना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद आपको फीडबैक भेजना है, अपनी कंपनी के जो फीडबैक होते हैं ना कि मैंने यहाँ से इतना कमा लिया, कितने कम टाइम में इतना पैसा जनरेट कर लिया, ठीक है, वो फीडबैक आप जरूर भेजोगे उनको। इसके बाद ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दोगे और एक लास्ट कॉल करोगे शाम को, वो भी डाउट क्लियर करने के लिए, जो उसके दिमाग में रह गया ये चल रहा होगा वो डाउट क्लियर कर दो और दोस्ती का हाथ बढ़ा लो, ठीक है, बस इतना। और इसके अलावा आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी और ब्रॉडकास्ट मेंटेन करना है, स्टेटस मार्केटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है यहाँ पे जो 8 पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है स्टेटस मार्केटिंग। चलो आपने लास्ट कॉल कर दिया, कितने लोगों से आपने बात, 30 लीड्स आपने जनरेट करी, 30 नंबर आपने जनरेट करे, 30 नंबर आपने सेव किए, सामने वाले से अपने नंबर सेव करवा लिए, ठीक है। इसके बाद अब आप 15-20 लोगों को कॉल करोगे करोगे, कुछ भी हो जाए साला, अपन पढ़ाई भी तो करते, इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं कर सकते क्या, करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 15-20 लोगों को कॉल करना ही करना है,
ठीक है, और अपने बिजनेस के बारे में बताना है बताना है, उनको इन्विटेशन करना है करना है उनका, और वीडियोस भेजनी है, सारा काम करना है आपको, ठीक है। डेली बेसिस पर आप काम करोगे, कम से कम 15 दिन ही काम करके देखो कि आपको 30 लीड जनरेट करनी है। भाई खाना पीना सब रह जाए, लेकिन लीड्स जनरेट होनी चाहिए, ऐसा जुनून लेके आओ दिमाग के ना, तब जाके आपकी अर्निंग होगी। अब यार हमारी अर्निंग क्यों हो रही है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है पहले, तब जाके आज इतना आउटपुट निकल पा रहा है। डेली के 2-3-4 लोग स्टार्ट कर लेते हैं, कब स्टार्ट करते हैं, स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि हम लोगों को इतना दिखा देते हैं, हर एक इंसान, हर एक इन्फ्लुएंसर, इतना प्रमोशन तो हो गया ना यार, प्रमोट कर रहे हो, क्या प्रमोट कर रहे हो आप, ये तो प्रमोट कर रहे हो कि आज मैंने यहाँ से इतना कमाया, आज मैं यहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, आज मेरे को कंपनी की तरफ से ये टूर फ्री मिला है, कंपनी में इतने लोग पैसा कमा रहे, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा है, यहाँ पे ये ट्रेनिंग्स हो रही है, तो ये सब चीज़ आपको दिखानी है। आप दिखाते नहीं, स्टेटस मार्केटिंग नहीं करते, तो लोग आपसे कैसे स्टार्ट करेंगे। आप सोच रहे हो कि हाँ मैंने बात कर ली, मैंने उसको सबको समझा दिया, और बस उसी पे फोकस करके बैठे हो कि ये बंदा स्टार्ट करे, उसको दोबारा फिर मैसेज करो कि भाई कब स्टार्ट करने वाले हो, आप कल के लिए बोल रहे थे ना आपने स्टार्ट नहीं किया, तो भाई आपका रिप्लाई नहीं करेगा वो। आपको क्या करना है, 15 दिन तक 30 लीड्स पर डे जनरेट करनी है, करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, 15 से 20 लोगों से डेली आपको बात करनी चाहे कुछ भी हो जाए, इन्विटेशन करना है उनको, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजनी चाहे कुछ भी हो जाए, समझ में आया। इसके बावजूद ही 15 दिन तक आप करते रहोगे ना, अब इसी के साथ आपको क्या करना है, स्टेटस मार्केटिंग करना है, जिसमें आपको सब चीज़ें दिखानी, अर्निंग दिखानी, सब कुछ दिखाना है, स्टेटस मार्केटिंग करना आपको सीखना है, और ब्रॉडकास्टिंग आपको डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। अब ब्रॉडकास्टिंग कैसे करते हैं भी आपको सीखना है, तो स्टेटस मार्केटिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब आपके स्टेटस देखेगा ना वो बंदा, तो खुद से आपको मैसेज कर देगा, आपको उसको मैसेज नहीं करना पर्सनली, ठीक है, कि आप स्टार्ट कर लो। ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, हाँ वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्सनली कोई चीज़ नहीं बोलोगे कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, वो खुद आपको मैसेज करेगा जब आपके स्टेटस देखेगा। अब आपको क्या करना है, ये काम डेली बेसिस पे कम से कम 15 दिन तक करो आप। 15 दिन के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले ना, मुझे बता देना। आप लोग बताऊँ गलती क्या कर रहे हैं, मान के चलो आपने लर्निंग कंप्लीट कर ली, आपको बात करना भी आता है, आपने 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, बस 3 दिन कर लिया, 5 दिन कर लिया, मान के चलो 5 दिन भी प्रॉपर काम नहीं करते काफ़ी लोग, मुझे पता है। प्रॉपर काम का मतलब है जो मैंने बताया, स्टेटस मार्केटिंग करोगे स्टेटस मार्केटिंग आपने नहीं करी ना तो कोई मतलब नहीं है, आपने उसको अच्छा से फॉलोअप नहीं लिया ना तो कोई मतलब नहीं है। सब चीज़ आपने 100% दिया अपना, उसके बाद हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना मिले। पहली बात, रिजल्ट कन्फर्म मिलेगा, बट फिर भी नहीं मिला कोई बात नहीं है, तो आपको कम से कम 15 दिन तक ये काम करना है कंटिन्यू। 15 दिन तक ये काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपकी अर्निंग नहीं हो तब मुझे बोलना आप आके। बट अगर आप ये सारा काम नहीं कर रहे ना, डेली बेसिस पे स्टेटस नहीं लगा रहे, ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहे, स्टोरी नहीं लगा रहे, तो भाई साहब कुछ नहीं होना। डेली बेसिस पे आप 30 लीड्स जनरेट नहीं कर रहे, 15 से 20 लोगों से आप डेली बेसिस पे बात नहीं कर रहे, इनविटेशन नहीं कर रहे, तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। एक बात मुझे बताओ, फिर बोलते हैं काफ़ी लोग, सर मेरे को स्टार्ट किए हुए 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, मेरी अर्निंग नहीं हो रही। अर्निंग कहाँ से होगी, आप ये सब काम कर रहे हो क्या, मुझे बताओ। नो, आप डेली बेसिस पे 30 लीड्स जनरेट कर रहे हो, बताओ आप 15-20 लोगों से डेली बात कर रहे हो, डेली रिजल्ट मिले या ना ही मिले, डेली आपको बात करनी है, आप कर रहे हो, नहीं कर रहे डियर। अगर करते ना तो रिजल्ट मिलता 100% है यार, और फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो कमी कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर है, मतलब क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। क्वालिटी लीड पे मत जाना कि लीड्स क्वालिटी में नहीं है, वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। आप अपनी क्वालिटी को फिल्टर करो, थोड़ा लर्निंग अच्छे से लो, सीखो वो चीज़। अगर आपको इन्विटेशन करना अच्छे से नहीं आ रहा तो वो चीज़ सीखो आप, क्योंकि यार मैं एक चीज़ मानता हूँ, हर एक बंदा पैसा कमाना चाहता है, हर एक बंदा। आपके पास नंबर है और नंबर किसी बंदे ने कॉल उठा लिया ना, तो वो पैसा कमाना चाहता है यार, बट आप उसको समझाओ अच्छे से, तब जाके पैसा कमा पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, तो आप डेली बेसिस पे ये काम करना स्टार्ट करो, और स्टेटस आप डेली बेसिस पे लगाओ। नहीं समझ में आ रहा कि क्या लगाया जाता है, तो आप सीखो वो चीज़। एक चीज़ बताओ, आप यहाँ पे 15-20 दिन काम करते हो और फिर बोलते हो कि सर यहाँ पे मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मैं सारे काम कर रहा हूँ मान के चलो, तो एक चीज़ बताओ, अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे होंगे, आपने 12 साल निकाला 12th के लिए, 15-17-18 साल निकाल देते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद आप क्या करने की सोच रहे हो, जॉब कितने, 12 से 15 हज़ार रुपये की जॉब, मतलब वहाँ पे आपने 18 साल दे दिया, 15-16 साल आपने दे दिया एजुकेशन में, सिर्फ कितने की नौकरी करने के लिए, 15 हज़ार की नौकरी करने के लिए, समझ पा रहे हो। यहाँ पे आप लाखों कमाओगे, जैसे हम अभी लाखों कमा रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइम दिया है। ये मत सोचो कि मेरे को 1 महीना हो गया काम करते करते, भाई साहब अब तो कुछ नहीं यार, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी डियर। आप इसको कंटिन्यू रखते चलो, तब जाके आउटपुट मिलेगा। कोई आपने यहाँ पे करोड़ों नहीं लगाया पैसा, ठीक है, छोटे से पैकेज से स्टार्ट किया होगा 4-5 हज़ार रुपये के से,
तो 4-5 हज़ार में आप अगर लाखों कमाने की सोच रहे हो तो थोड़ा वहाँ पे टाइम तो दे दो। अब जहाँ पे आपने लाखों लगा दिया वहाँ से आप सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो एजुकेशन के अंदर, तो आपने तो यहाँ पे सिर्फ हज़ारों लगाया है, हज़ारों लगा के आप लाखों कमाने की सोच रहे हो, तो आप यहाँ पे टाइम दे दो, थोड़ा बहुत टाइम तो दो। इंस्टाग्राम को आप मैनेज करके रखो, आप डेली बेसिस पर रील्स अपलोड करो, क्योंकि आपको इसी फील्ड में तो जाना है ना, तो डेली बेसिस पर रील्स अपलोड करते चलो, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, समझ पा रहे हो, वहाँ से आपको लीड्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे। आप मेहनत तो करते ही नहीं हो, अब आप बोलोगे सर मुझे तो रील्स बनाना नहीं आता, तो ये चीज़ सीखो ना यार, आप सीखोगे नहीं तो क्या होगा, हर एक चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको। बट एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत पैसा कमा सकते हो, मैं इतना कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। तो आपको लर्निंग कंप्लीट करनी है, इसके बाद ये वर्कआउट स्टार्टअप करना है, और फिर पैसा नहीं आया तो मुझे बोलना है, ठीक है। जब तक आप ये वर्कआउट नहीं करोगे, स्टेटस मार्केटिंग नहीं करोगे, रील्स अपलोड नहीं करोगे, स्टोरी आप नहीं लगाओगे, ब्रॉडकास्ट मेंटेन नहीं करोगे, फॉलोअप अच्छे से नहीं लोगे, 30 लीड्स डेली जनरेट नहीं करोगे, डेली 15-20 लोगों से बात नहीं करोगे, आपकी अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। 15-20 दिन आपको हो गए काम करते हुए और बोल रहे कि सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही, वाह यार मजे ले रहे हो आप तो यार, थोड़ा टाइम तो दो यहाँ पे, कितना साल आपने एजुकेशन में लगा के आया है, वहाँ से आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप थोड़ा टाइम दो यहाँ पे। टाइम सिर्फ इस चीज़ के लिए कि बस आप एक बार सीख जाओ हर एक चीज़ कि किस तरीके से करते हैं, बस फिर मज़ा ही मज़ा है, बहुत पैसा है, सच कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको एक ही चीज़ समझ में आ गई, अब बात करते हैं अर्निंग की। तो अर्निंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा, क्योंकि ये वैसे बहुत लंबी वीडियो हो गई है ना, तो इस वीडियो को जो मैंने बताया हर एक पॉइंट को नोट कर लेना, लिख लेना है, दोबारा इस वीडियो को देख लेना अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से लर्निंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी और लर्निंग को अप्लाई कैसे करेंगे। बस सीख तो आपने लिया, सीखने के बाद उसको अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको आप वॉच कर पाओगे, बिल्कुल मिस मत करना। बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है कि आप 1 लाख कैसे कमाओगे इस एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। लेकिन भाई साहब जो मैंने इस वीडियो में बताया ये तो ज़रूरी है, उस चीज़ के लिए ये करना तो ज़रूरी, ये सीखना ज़रूरी है, और ये वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो कंपलसरी है। अब इसी लर्निंग के साथ, इसी वर्कआउट के साथ आप 1 लाख कैसे कमाओगे उस वीडियो में बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। बहुत ईजी है एफिलिएट मार्केटिंग से 1 लाख कमाना, बट आप इन दोनों पहलुओं को कंप्लीट करके लोगों, लर्निंग प्लस वर्किंग को प्रॉपर रखो, फिर देखो पैसा कैसे आता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट करना, बाकी ऑल द बेस्ट।